नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। डिजिटल मार्केटिंग के इस युग में देश की बहुत बड़ी जनसंख्या वस्तुओं की खरीदारी के लिए ऑनलाइन भुगतान करती है। आप भी अक्सर बाजारों व मॉलों में अपनी पसंदीदा वस्तु को खरीदने के लिए पैसे का भुगतान QR कोड स्कैन करके करते होंगे। लेकिन अब हम आपको जिस QR कोड स्कैम के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे जानने के बाद अब आपको QR कोड से ऑनलाइन भुगतान करने में सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी, अन्यथा आप ठगी का शिकार हो जाएंगे। जी हाँ, यह हकीकत है, ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों ने अब जालसाजी का एक और तरीका ढूंढ निकाला है। जालसाज अब ऑनलाइन धोखाधड़ी में तेजी से QR कोड स्कैम के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। यह स्कैम ऑनलाइन स्कैम की तरह ही है, जिसमें स्कैमर्स अपनी लच्छेदार बातों में यूजर्स को फंसा लेते हैं और फिर धीरे से अपना शिकार बनाते हैं। इस स्कैम को आमतौर पर फिशिंग साइटों के जरिए अंजाम दिया जाता है, जहां स्कैमर्स QR कोड को स्कैम करने का ऑप्शन देते हैं और आप जैसे ही QR कोड स्कैन करते हैं, वैसे ही आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स उनके हाथ लग जाती है और आपका अकाउंट मिनटों में खाली हो जाता है। QR कोड स्कैम का तरीका क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है, आइए इसे भी जान लेते हैं। दरअसल स्कैम तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऑनलाइन बिक्री वेबसाइट पर डालता है, तभी धोखेबाज खुद को खरीदार के रूप में प्रस्तुत करते हुए अग्रिम या टोकन राशि का भुगतान करने के लिए QR कोड साझा करते हैं, जिसको स्कैन करके भुगतान पाने की जानकारी स्कैमर्स द्वारा दी जाती है। जैसे ही यूजर्स इस QR कोड को स्कैन करते हैं, वैसे ही उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। QR कोड घोटाले की पहचान कैसे की जा सकती है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। घोटालों की पहचान करने के लिए सबसे पहले यूजर्स को यह पता होना चाहिए कि QR कोड केवल पैसे भेजने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं। इस स्कैम को पहचानने का एक और तरीका भी है, जिसमें आप QR कोड या फेक वेबसाइट की पहचान कर सकते हैं। वह या अगर किसी वेबसाइट की शुरुआत HTTPS से शुरू नहीं हो रही और वेबसाइट के नाम में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो समझ लीजिए कि ये फेक वेबसाइट है। आइए अब यह भी जान लें कि QR कोड घोटालों से कैसे बचा जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि QR कोड स्कैम से बचाव के लिए सबसे बेहतर यह है कि अजनबियों के साथ UPI ID और बैंक विवरण कतई शेयर न किया जाए और ऑनलाइन लेन देन वेरीफाई करें। इसके अलावा संदिग्ध QR कोड से पूरी तरह से सावधान रहें। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।